सीएम का मिशन 2030 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स ने सीएम गहलोत संवाद करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे जयपुर के बिरला सभागार में कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों से वो चर्चा करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाने के लिए 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों का सुझाव भी सरकार द्वारा लिया जाएगा। वर्ष 2030 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो मिशन 2030 पर पूरी तरह से सक्रिय सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसे लेकर आज बिरला सभागार में कार्यक्रम है और उसमें एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स हिस्सा लेंगे, जिनसे विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश होला। लोकेश, विजन 2030 जिस पर लगातार मुख्यमंत्री और सरकार काम में लगी हुई है और आज एक कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है बिरला सभागार में, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस कार्यक्रम पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान अब विजन 2030 के ऊपर काम करेगा और विजन 2030 के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार आगे अब की योजनाएं हैं वो इसी के अनुसार होगी जी। इसी के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 1000 से अधिक एक्सपर्ट और स्टेट होल्डर्स के साथ संवाद करेंगे। बिरला सभागार में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री और जो सरकार के जो प्रतिनिधि है वो इसमें मौजूद रहेंगे। प्रमुख शासन सचिव और अन्य विभागों के जो अधिकारी है उनके साथ भी विभिन्न योजनाओं को लेकर संवाद करेंगे। देखिए, विजन 2030 का जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सरकार की ओर से करीब प्रदेश भर के 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के सुझाव है वो लेने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि जो सुझाव लेंगे उसमें अर्थशास्त्रियों, लेखकों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और अन्य बुद्धिजीवियों का जो सुझाव है वो लिया जाएगा और उसी सुझावों के अनुसार एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा जिसको लेकर अलग अलग जो मुद्दों के ऊपर चर्चा करके और एक डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन 2030 है कि जिस तरह से अपने उद्देश्यों और अपेक्षाओं को किस तरह से जो प्रतिभागी और हितकारक और अधिक से अधिक राजस्थान के लिए दे सके इसके लिए पूरा पहले से ही खाका तैयार किया जाए और मिशन 2030 के लिए एक संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों कार्यक्रमों में कहा कि राजस्थान में जिस तरह से 2018 से 2019 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ रुपए थी वो बढ़कर 14,14,14,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अब इस अर्थव्यवस्था को 2030 तक 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करोड़ रुपए ले जाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। इसी के तहत ऑनलाइन सुझाव है वो भी लिए जाएंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज संवाद करेंगे उसमें हर वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कहते हैं कि विजन 2030 किस तरह का हो, राजस्थान भविष्य के लिए किस तरह से तैयार हो, इसी को लेकर एक पूरी तरह से जो खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज युवाओं के साथ संवाद करेंगे और एक डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाएगा उसके जरिए। जी जी, तो आज इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन हिस्सा लेगा और खास तौर पर कौन से ऐसे की पॉइंट्स होंगे या विषय होंगे जिन पर आज मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में? देखिए, जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे जिसमें सरकार के तमाम जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा उच्च अधिकारी है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जो चर्चा की जाएगी उसमें हर वर्ग के चाहे युवा हो, चाहे अर्थशास्त्री हो या लेखक हो, चाहे वकील हो, किसान हो, मजदूर, बुद्धिजीवी, सभी वर्ग के हजारों जो बड़ी संख्या में जो लोगों को बुलाया गया है उनसे संवाद करेंगे, उनसे सुझाव है वो भी लिए जाएंगे ताकि किस तरह से इस योजना को
और जो विजन 2030 का डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो संवाद करेंगे आज इनसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम कार्यक्रम आज बिरला सभागार में होगा, 2030 विजन को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगे हुए हैं विजन 2030 को लेकर और उसी के तहत तमाम एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स आज इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और चर्चा की जाएगी कि आखिर 2030 तक जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से ढाई गुना किया जाए।